तो मैंने एक वीडियो लगाई जो मेरे घर के बाहर मेरा बच्चा मेरी गोद में बैठा हुआ है, जिसपे मुझे रुहाम ने आवाज़ दे के ये कहा था कि बाबा नीचे आओ, मैं टेरेस पे था, उसमें मैं सो के उठा था, मैंने हुडी पहनी हुई है। तो गाड़ी अंदर लेके जाते हुए हमने एक डांस किया जिसपे हमारी भाभी जो बाहर के मुल्क से आई हैं, हमारे लिए बड़ी काबिल इज़्ज़त है और उनका ताल्लुक उस शख्स के साथ है जो इस मुल्क का सबसे बड़ा स्टार है। यस, इज़ अ कैप्टन, इज़ अ कैप्टन ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, उन्होंने हमें बहुत सारे मैच जिताए हैं, बड़ा नाम हमारे मुल्क को दिया उन्होंने और हम दावेदार हैं उनके। उन्होंने मेरी उस वीडियो को जिसके ऊपर सिर्फ एक दिल बना हुआ है और वो मेरे बेटे के साथ है जो रोज़ आ रही है, उसको अपनी चलती हुई कॉन्ट्रोवर्सी के साथ लिंक कर लिया। क्या उस वीडियो पर कुछ लिखा है? क्या वो वीडियो किसी को टैग हुई है? या मैंने आपको ये कहा है कि आप गलत बात कर रही हैं? मुझे तो हंसी आ रही है, लेकिन तोहमत भी भाभी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। बगैर सोचे समझे सिर्फ अपनी कंट्रोवर्सी को सेव करने के लिए आप एक इंसान के घर की पर्सनल एक पर्सनल वीडियो, एक उसकी औलाद के साथ एक वीडियो, और औलाद भी मेरी वो है, मैं, मेरा बच्चा और मेरे बच्चे की माँ, हम इस वक्त बहुत टफ टाइम से गुजर रहे हैं। गुजरता है इंसान, सबको पता है इस बात का, हम अपनी ज़िंदगी हमारे हम डिस्ट्रक्शन में है इस वक्त। मैं आपकी लड़ाई में क्यों आऊँगा? मैं आपको क्यों गलत कहूँगा? और आपसे मेरा कोई ना लेना ना देना ना कोई मेरी आपकी बात है। तो भाभी ये तो ना करें प्लीज़, भाभियाँ तो माओ जैसी होती हैं। प्लीज़ प्लीज़ ऐसे नहीं, ऐसे किसी को बिला वजह ड्रैग नहीं करते। किसी एक लगी हुई वीडियो जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, जिसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं है, जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है, यू आर लिंकिंग मी, आप एलिगेशंस लगा रही हैं मेरे ऊपर। आप मेरे मुझे ये कह रही हैं कि मैं इमरान अशरफ ये बात कह रहा है कि आप अपने बच्चों को सीट बेल्ट के बगैर लेके जाएं। आप, दिस इज सो इनसेंसिटिव।